मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने त्रिपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी है। उन्होंने अपने एक दिवसीय नूरपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस त्रिपुरा में खाता तक नहीं खोल पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कांग्रेस के लोग भाजपा का मजाक बनाते थे कि यहां से भाजपा कभी नहीं जीत सकती, ये चुनाव परिणाम उनके गाल पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लगातार साकार होता दिख रहा है और जनता भी प्रधानमंत्री के सपने को सच बनाने में भाजपा का साथ दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा पूरा बहुमत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश की बागडोर संभालेंगे। देखिए, एक वक्त एक नारा दिया था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि आने वाले समय में आप कांग्रेस मुक्त भारत देखेंगे, और वो उस वक्त बहुत बड़ा मजाक का हमारे कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देशभर में बनाया था। और आज मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही थी वो साकार जमीन पर लोग देख रहे हैं, साकार होती हुई त्रिपुरा, जहां हमारी पार्टी की जमानत ने जब बचती थी, जमानत जब्त होती थी, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को शून्य सीट, एक भी सीट कांग्रेस को अभी तक वहां पर नहीं मिल पाई है। तो मुझे लगता है जो बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस दिशा में हम अपने लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में बहुत करीब पहुंचे हैं। तो 2019 का जो चुनाव आने वाला है उसको आप 2019 के चुनाव के लिए हम तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं और 4 में से 4 पिछली बार दी है, और 2019 में भी हम शत प्रतिशत योगदान को हिमाचल प्रदेश के केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दे सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, उसमें त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ जो है वो जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटें और हमारे साथ में जो गठबंधन उनको 8 सीटें, 43 सीटें, 43 सीट्स वहां पर मिली है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। और इसी प्रकार से नागालैंड में हम देखें, वहां भी हम भारतीय जनता पार्टी को 11, हमारे गठबंधन को 16, कुल मिलाकर 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। और इसी प्रकार से अगर हम देखे हैं, अगर आगे बढ़कर के देखे हैं, अगर मेघालय में देखें तो मेघालय पार्टी के हिसाब से बहुत शुभ रही है। इससे पहले मैं अगले आगे बात करूं, मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को बधाई देता हूं। जो नॉर्थ ईस्ट के जो चुनाव परिणाम आए उससे एक बार साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति तक सीमित नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वमान्य पार्टी के रूप में बनकर के उभर करके सामने आ रही है। पार्टी को मजबूत करने की दिशा में अनेकों कदम उनके द्वारा उठाए गए, ये पार्टी मजबूत होती गई।
और मुझे इस बात को लेकर के भी खुशी है कि आज हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी आज जानी जाती है, मानी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो खेल विधायक लाया था उस पर भाजपा सरकार काम कर रही है और इस विधायक को रिव्यू किया जा रहा है। उन्होंने रिटेंशन पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कानूनी सलाह ली जा रही है और जो भी इस पॉलिसी में संभव होगा वह किया जाएगा और लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। कुछ बिल जो पिछली सरकार ने भेजा है हम उस पर पुनर्विचार करने के लिए खुले मन से हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम जो निर्णय उनकी सरकार के हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं, उसमें ये भी शामिल है। सर रिटेंशन पॉलिसी को लेकर सर क्या अभी सरकार की पहल की जाएगी, क्योंकि शिमला धर्मशाला में बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, कोर्ट ने मना कर दिया इस पॉलिसी को लागू करने से। कोर्ट ने मना किया है, उसमें एनजीटी का भी एक आदेश है, उन सारी चीजों को लीगली हम एग्जामिन कर रहे हैं। इस सारे मामले में जो कानूनी तौर पर जो जहां लड़ना होगा उस तरह से हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लागू करवाएंगे इस पॉलिसी को सर? निश्चित रूप से, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लागू करने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को रिलीफ देना, जनता को मदद करना, ये हमारी प्राथमिकता निश्चित रूप से रहेगी और इसको रिव्यू करने की दृष्टि से जो है।